ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो मैं आसपास जाकर के क्या करता था, गीता भाषा में केवल तीन लोग आते थे, तीन या चार लोग आते थे, ज्यादा नहीं आते थे। तो मैं क्या करता था, संडे के दिन छुट्टी रहती थी आईटीआई में, तो मैं वहां जाकर के कोई मंदिर के आसपास में जाकर के सबको सुनाता था, आप एक घंटे के बाद मंदिर में जाना। एक घंटे के बाद इसीलिए बोलता था क्योंकि सुनाने वाला खुद ही, मैसेज देने वाला खुद ही, सबको सुना करके आकर के बैठता था, चित्र प्रदर्शन लगा करके पढ़ाई करते बैठता था, जो आते थे उनको समझाता था, फिर उनको गीता भाषा में बुलाता था। ऐसे करते करते करीबन 70-80 लोग ज्ञान में निकले वहां से, 70-80 लोग ज्ञान में निकले एक एक करके। उसके बाद मैंने आईटीआई भी पूरा हो गया, अब जाना कहाँ है, मेरे को कॉल आते थे आईटीआई नौकरी के लिए, तो मैं देखता था, मैं सोचा अभी जन्म जन्मांतर नौकरी किए हैं, पहले क्या करूँगा, मैं इस ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान पक्का सीखूंगा। तो मैं क्या करता था, कॉल को फाड़ के फेंकता था, मेरे को खाने का प्रॉब्लम है, रहने का प्रॉब्लम है, नौकरी पीछे पड़ रहे हैं, लेकिन ज्ञान इतना ऊंचा है, मुझे सोचा कि मैंने सोचा ज्ञान पहले सीखूंगा उसके बाद नौकरी पकड़ूंगा। और इस तरह से तो मैंने क्या किया, सोचा कि मैं गीता पाठशाला में इतनी अच्छी पालना ली, सेंटर पर जाकर के पालना लूंगा। तो वहाँ नज़दीक जिला था, सांगली जिला, वहाँ चला गया। तो मैंने सोचा वहाँ रहने का कुछ ना कुछ प्रबंध करना पड़ेगा। तो वहाँ एक हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में गया, मैंने डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर जी आपको कोई कंपाउंडर की ढूंढ ही रहा था, कहता मैं आपको 700 रुपये दूंगा, आप सवेरे 7 बजे आना, शाम को 7 बजे जाना। मैंने सोचा 7 बजे आऊँगा तो मुरली तो मिस हो जाएंगी। मैंने कहा डॉक्टर जी मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, मुझे 100 रुपये दे दो, मैं सवेरे 9 बजे आऊँगा, 7 तो क्या, रात को 10 बजे जाऊँगा, लेकिन सवेरे 7 से लेकर के 9 बजे तक मैं कोई यमराज भी आऊँगा आएगा तो भी उसको टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा मुरली का टाइम होता है। तो वो डॉक्टर तो देखने लगा, मैं आपको 700 रुपये ही देता हूँ, मैं बोला मेरे को चाहिए नहीं इतना, मुझे 100 रुपये चाहिए। तो कहता ठीक है कभी भी आओ और कभी भी जाओ। मना मुरली के लिए इतनी लगन, क्योंकि मुरली हमारी चाबी है, मुरली हमारा भोजन है। तो इस तरह से तो मैं क्या करता ना, मुझे कैशियर की सेवा मिली थी, मैं मुरली सुनकर के साइकिल पर 9 बजे जाकर बैठता था, और मैंने एक चित्र सामने लगाया था, बिल्कुल ध्यान में बैठता था। तो डॉक्टर मेरे को एक दिन पूछा, आप कोई आश्रम में जाते हैं? मैंने कहा मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ। कहते आपके जैसे लोग मिलेंगे? और मैंने कहा देखूंगा। तो एक कुमार फ्री था, उसको भी वहाँ सर्विस लग गई। तो कुछ समय के बाद डॉक्टर कहता है मेरे पास एक 2 मंजिल का मकान खाली है, अगर आपके आश्रम को चाहिए तो पूछ लो। मैंने बहनों को कहा, हमारा डॉक्टर ऐसा ऐसा बोलता है। कहता है हाँ वहाँ सेंटर नहीं, चलो अच्छा है। तो वो उन्होंने 2 मंजिल का मकान भी दिया, और अभी भी ब्रह्मा कुमारी को ही दिया। इतना ही नहीं, वो हॉस्पिटल में भी अभी कुमारी रहते हैं। वो डॉक्टर तो अभी, उसको कोई बच्चा भी नहीं था, एक बच्ची थी, शादी होकर चली गई, कुमारी वहाँ रहते। ये है लगन।